नमस्कार मित्रों, ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के अरुआ पशु मंडी में। और यह मंडी प्रत्येक रविवार के दिन लगता है और यहां पर काफी दूर दूर से व्यापारी अपनी पशुओं की खरीद बिक्री करने के लिए आते हैं। तो इस वीडियो में कुछ गायों का हम रेट जानते हैं कि होली के बाद जो है गायों की कीमत बढ़ी है या घटी है, क्या कीमत है। वीडियो बनाने का मकसद होता है कि एक तो मंडी के आपको रेट की जानकारी मिलता है कि इस मंडी में इस तरह की गाय जो है मिलती है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता है। तो आज कितनी गाय लेकर के आए हैं सर? 15 गाय। आज 15 गाय लेकर के आए हैं। कुछ बिकी है या बच गई है? 10 बच गई है। तो आप देख सकते हैं ये हर मंडी को आते हैं, फिरोज राय नाम है इनका, और ये मंडी के स्टार्टिंग में ही इनका शेड है। तो ये आप ही की है सर? तो आप देख सकते हैं ये भी गाय जो है सेल के लिए उपलब्ध है। और पीछे से इस गाय के अडर की बनावट हम आपको दिखा दे रहे हैं और करीब से भी जो है इस गाय के अडर की बनावट हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इस का बच्चा जो है बछिया है, काफी खूबसूरत बछिया है। तो इस गाय के बारे में सर बता दीजिए, इस गाय के बारे में बता दीजिए। 6 दिन का बच्चा दिए हुआ है, 16 लीटर दूध है, 2 दांत की गैया। अभी 6 दिन हुआ बच्चा दिए हुए, बच्चों बच्चिया। तो आप देख सकते हैं 6 दिन पहले जो है बच्चा दी है और बच्चा इसका बच्चिया है। दांत में कितनी है सर? 2 दांत है। 2 दांत, 2 दांत की है अभी। 2 दांत। क्या अभी दूध कर रही है? अभी 15-16 के रेशियो, अभी 15-16 के रेशियो में है। तो क्या इसका डिमांड रखे हैं सर? 62,000 देने वाला, कितना? 60,000 तक। तो आप देख सकते हैं इस गाय का डिमांड जो है 62,000 है, लेकिन बोले हैं कि 60,000 तक इस गाय को जो है हम छोड़ देंगे। और ये 2 दांत की है, फर्स्ट बार जो है बच्चा दी है। और पीछे से भी जो आप इसके ऑर्डर की बनावट आप देख सकते हैं। और एक और गाय है, 6 दांत है, बच्चा बाछा। इस गाय के भी ऑर्डर की बनावट हम आपको पीछे से दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। लाओ बाबू। और इस गाय के बारे में पूरा डिटेल्स जो हम जानकारी लेंगे। और इसके अडर की बनावट हम आपको करीब से दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं इस गाय के अडर की बनावट। तो इस गाय के बारे में सर बता दीजिए, दांत में, दांत में मिल चुकी है। कौन सी बार बच्चा दी है? 3 दिन बच्चा, सेकंड बार बच्चा, सेकंड बार बच्चा इसका। तो आप देख सकते हैं ये दांत में मिल चुकी है और सेकंड टाइमर है और इसका बच्चा जो है बछड़ा है। क्या दूध रहेगा सर इसका? 20 केजी कर देगी। अभी 16 लीटर तैयार है। कितना दिन हुआ बच्चा दिए हुए? 4 दिन हो गया। क्या उम्मीद है सर? बढ़ेगा। तो क्या इसका डिमांड रखे हैं सर? दाम इसका 58,000। 58,000 देने वाला, 55,000 तक। तो आप देख सकते हैं 58,000 डिमांड है, लेकिन बोले हैं कि 55,000 तक इस गाय को हम छोड़ देंगे। और इसका बच्चा जो है बछड़ा है। और एक और गाय है, इस गाय के अडर की बनावट हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। थनों के बीच जो गैप है उसको भी आप देख सकते हैं, काफी बड़ी गाय है यह। तो इस गाय के बारे में सर बता दीजिए, 20 प्लस कर देगी। जी जी। बच्चा कितना दिन हुआ? ये तीसरा दिन बच्चा दिला इसका, 2 दिन हुआ। 2 दिन हुआ बच्चा इसका। बच्चा दांत में मिल चुकी है? दांत में मिली हुई। तो क्या इसका डिमांड रखे हैं? इसका 65,000। तो आप देख सकते हैं इसका डिमांड जो है 65,000 है। और एक और गाय है, इस गाय के ऑर्डर की बनावट आप देख सकते हैं। तो ये कौन सी दांत में कितनी है? ये दांत में मिली हुई, ये भी दांत में मिल चुकी है। कौन सी बार बच्चा दी है? ये तीसरा बच्चा दी है। बच्चा इसका बाछी है। और देख सकते हैं इस गाय का बच्चा जो है बछिया है। क्या इसका मिल कैपेसिटी रहेगा सर? 15 केजी।
14 से 15 लीटर रहेगा, तो क्या इसका डिमांड रखे हैं? 48,000। तो देख सकते हैं इस गाय का डिमांड जो है 48,000 है, 48,000 है, और हर रेंज की गाय इनके पास उपलब्ध रहती है। एक ये गाय भी देख सकते हैं, अगर आप घर पर पालने के लिए गाय लेना चाहते हैं, इस गाय कटर की बनावट हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये दांत में कितनी है सर? दांत में सर 6 दांत। ये 6 दांत की है। कौन सी बार बच्चा दी है? सेकेंड बार बच्चा दी है। दूसरी बार? हाँ। कितना दिन हुआ बच्चा दिए हुए? ये अभी 13 किलो के रेस्क्यू। बच्चा दिए कितना दिन भाई? बच्चा दिला 5 दिन हुआ। 5 दिन हुआ। दूध इसका? दूध 13 किलो अभी दुआ, मैंने 12-13 kg के लगभग रहेगा। क्या इसका डिमांड रखे हैं? 42,000। तो आपके पास हर रेंज की गाय उपलब्ध रहती है। और एक और गाय है, इस गाय कडर की बनावट हम आपको करीब से दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं इस गाय कडर की बनावट। तो इस गाय के बारे में सर बता दिए, दांत में ये 10 kg दूध करेगा, दांत में मिली, दांत में मिल चुकी है और 10 kg इसका दूध है। बच्चा इसका? बच्चिया है। बच्चिया है। क्या इसका डिमांड रखे हैं? इसका 38,000। 38,000। तो आप देख सकते हैं इस गाय का डिमांड जो है 38,000 है, यानी कि 38,000 है। और एक और गाय है, आप देख सकते हैं इस गाय के भी अडर की बनावट आपको घुमा करके हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं इस गाय के अडर की बनावट। तो चलिए इस गाय के बारे में हम जानते हैं। 20 प्लस दूध करेगा, जर्सी और साहिवाल दोनों मिक्स है। जी जी जी। तो दांत में कितनी होगी सर? दांत में 6। 6 दांत की है। बच्चा कौन सी बार दी है? इसका बाछी। कौन सी बार बच्चा दी है? सेकंड बार। सेकंड बार। कितना दिन हुआ बच्चा दिए हुए? 2 दिन आए। मत अभी तो फेनुसा में होगी। फेनुसा 15-16 है, दूध 20 प्लस करेगा। जी जी। चारों गाय 20 प्लस कर रहे हैं। अच्छा, सभी जो है चारों 20 प्लस की है। तो इस गाय का क्या डिमांड रखे हैं सर? 65,000। तो आप देख सकते हैं इस गाय का डिमांड जो है 65,000 है, यानी कि 65,000 है, और मिल्क कैपेसिटी जो है 20 लीटर बताया गया। रेट जो है मंडी का फिक्स नहीं होता है, आइएगा बार्गेनिंग कीजिएगा तो उसमें कुछ कम ज़्यादा ये लोग कर देते हैं। और ये कौन सी दांत में है सर? 4 दांत। अभी 4 दांत की है। बच्चा कौन सी बार दी है? फर्स्ट बार। फर्स्ट बार। बच्चा इसका? आच्छी। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट बार ये बच्चा दी है, बच्चा इसका बच्चिया है। क्या रेंज की है सर ये? सब 60-62 की। 60-62 की। और ये भी गाय है, ये सभी गाय जो है तीनों 60 से 62 हज़ार के रेंज में है। और ये भी गाय देख सकते हैं, इस गाय का बच्चा जो है बच्चिया है, और इसका भी 60 से 62 हज़ार जो है रेंज बताया गया, लेकिन मंडी का रेट फिक्स नहीं होता है, आइएगा बार्गेनिंग कीजिएगा तो उसमें ये लोग कम ज़्यादा कर देते हैं। तो चलिए जो है और किसी गाय का हम रेट जानते हैं। और ये सभी गाय जो है देख सकते हैं सेल के लिए उपलब्ध है, आगे से भी जो है इसको हम दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हैं।